और सनातन परंपराओं का अपमान मत उड़ाओ। हां, मेरे लिए बहने मेरी देवियां हैं, और इसलिए मैंने एक नहीं कई योजना बनाई। मैं बहनों को बहुत आदर की नजरों से देखता हूं। आपको एक प्रसंग याद होगा, जब सीता जी का हरण हुआ और रावण हर के ले जा रहा था, तो सीता जी ने उस समय अपनी माला गले से उतार के नीचे डाल दी, मोतियों की थी, ताकि पता चल जाए कि रावण किस दिशा में सीता मैया ले गए। जब भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ उस जगह पहुंचे तो मोती पड़े हुए मिले, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण क्या ये मोती सीता जी के माले हैं? तो लक्ष्मण का उत्तर था लक्ष्मण जी का कि भैया मैंने तो कभी भाभी माँ के चेहरे की तरफ देखा ही नहीं, मैंने तो हमेशा उनके चरणों को ही देखा, इसलिए मुझे पता नहीं ये उनकी माला है कि नहीं। ये मेरा भाव है, ये भारत का भाव है। लेकिन बहनों, ये कांग्रेस के नेता बहनों को आइटम कहने वाले, अपमान करने वाले, आज बहन और बेटियों के पूजन पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सुन लो, कांग्रेसी भी सुन ले और सारी दुनिया सुन ले, बहनों के आंसू पहुंचने में ये भाई कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आधी आबादी को पूरा न्याय देगा। और अपने बेटियों के लिए हमने बनाई लाडली लक्ष्मी जैसी योजना। मुझे संतोष है कहते हुए, धरती पर बिटिया को मैं बोझ नहीं रहने दूंगा, इसलिए लाडली लक्ष्मी बनाई। समय नहीं है कि मैं बहुत दूं, 46 लाख मेरी लाडली बेटियां हैं। ये बेटियां जब मेरे सिर हाथ रखती है तो मेरे काम करने की ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाती है, ये अपने मामा को आशीर्वाद देती। 40 लाख लाडली बेटियां जिनका पूरा इंतजाम, पढ़ाई लिखाई सब मामा करेगा, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, ताकि मेरी बहनें चुनाव जीत के सरकार चलाने का काम करें। मैंने दिया है, नहीं कांग्रेस के जमाने में नहीं था, और नहीं तो भाई लोग लड़ने नहीं देते बहनों को, घर में बैठ घूंघट मार रोटी बना, चुनाव तो साव लड़ेंगे। मैंने कहा आधी सीटों साव लड़े और आधी सीटों पर मेरी बहनाएं लड़े। ये भारतीय जनता पार्टी मैं हूं, जिनने तय किया पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करूंगा। ये मेरी बेटियां पुलिस की भर्ती में यहां खड़ी है, पहले नहीं होती थी। मैंने कहा 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की होगी, बताओ बहन बेटी पुलिस में होना चाहिए कि नहीं? ये हम हैं जिनने तय किया कि बहन बेटी के नाम पे कोई संपत्ति खरीदेगा तो रजिस्ट्री का शुल्क बहुत कम लगेगा। मुझे लगा कि रजिस्ट्री का पैसा बचाने के लालच में ही बहनों के नाम पर संपत्ति लोग खरीदे, और वो हो रहा है। और ये लाडली बहना योजना मैंने क्यों बनाई? मेरी बहनों, अपनी गरीब बहनों को, अपनी निम्न मध्यम वर्ग की बहनों को मैं देखता था, हजार हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती थी, जरूरत पड़ती थी तो मांगना पड़ता था, और मांगे तो मिल गए तो ठीक है, नहीं मायके जाने के लिए पतिदेव से मांगे तो वो ही डांट देते, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के रह जाती थी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे मेरी बहनों, बोलो सही बात है कि नहीं? मेरे मन में आया कि तू मुख्यमंत्री है, तू तो भैया है, देखो मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटा बेटी। बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? मैं तो भैया हूं और मामा भी हूं, ये अपना परिवार है परिवार, और इसलिए मेरे मन में, हां मेरी बहन देख लिया मैंने, मेरे मन में ये बात आई कि भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है और सावन के महीने में कुछ ना कुछ तो देता है, तो तू भी भाई है रे, अपनी बहनों को तू भी कुछ दे। लेकिन एक बात मेरे मन में और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, बताओ साल में एक बार देने पे काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा। यहां से मैंने प्रारंभ किया था, लाडली बहना योजना बनाई। बताओ मेरी बहनों, कैसी है लाडली बहना योजना? जोर से बताओ मेरी बहनों। मैंने कई जगह पूछा कि लाडली बहना योजना के बाद बहन जिंदगी में कोई परिवर्तन आया क्या? बताओ आया क्या? मुझे कई बहनों ने कहा कि भैया आजकल तो ठाट हो गए। मैंने कहा क्यों?
अरे बोल सास बड़े प्रेम से बोलती है घर में और रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के देती है, बहू तू भी खा ले। और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो हमारे साहब भी पतिदेव भी बहुत अच्छा बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गया कि नहीं आए। देखिए पैसे ने आपको सम्मान बढ़ाया, सच्चाई है ये, मैं मजाक नहीं करता। पैसा आत्म सम्मान बढ़ाता है, पैसा विश्वास भी बढ़ाता है। और इसलिए मेरी बहनों, पैसा नहीं तुम्हें मैंने सम्मान दिया है, तुम्हारा मान लौटाया है जिसकी तुम हकदार। और यहां रुकूंगा नहीं, 1000 से बढ़ा के 1250 किए, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। और बहने बहुत है मेरी, 1,32,00,000, इतना भाग्यशाली भाई कोई होगा क्या? 1,32,00,000 बहन है मेरी। फिर भी कई कह रही भैया हम तो रह गए। मैंने कहा मेरी बहना तुम क्यों रह गई? बोले जब फार्म भरा रहे तो हमने सोचा वैसे वैसे ही, कह रहे पैसा थोड़ी मिलेगा तो हमने भरा ही नहीं। अब उन बहनों से कह रहा हूं चिंता मत करो, आने वाले समय में पोर्टल खोल के तुम्हारा नाम भी जोड़ दिया जाएगा, कोई बहन को वंचित नहीं रहेगा। और एक बात और, मेरी बेटियां मुझे मिली कहीं और मुझसे कहा मामा हम तो पढ़ाई करते हैं तो आजकल जल्दी शादी थोड़ी होती है, पहले हो जाती थी 16-18 साल की उम्र में, अब तो मामा हम पढ़ते लिखते हैं 25 में 26 में भी शादी करते हैं, तो हमें क्यों नहीं दे रहे मामा? तो मैंने ये तय किया कि अब शादी ना भी हुई हो ऐसी बेटियों को भी लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा, कोई बेटी वंचित नहीं रहे। ये जिंदगी बदलने की योजना है, जिंदगी बदलने की योजना। और 1250 से बढ़ा के मैं 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के पैसे का इंतजाम में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि 1,000 में 15,000 करोड़ देना पड़ते हैं, पता है 15,000 करोड़। अरे मेरे अलावा कोई देता क्या बताओ? अब इंतजाम कर रहा हूं, 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा, 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, फिर कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो, कांग्रेसी भी सुन ले, अरे कितने?